गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड मोनोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड्स ऑल्सो. इन दिस क्लास वी विल सी द ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिगोसैकेराइड्स, व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड? वी हैव ऑलरेडी सीन ओलिगो मीन्स फ्यू. So these are the saccharides which contain 3 to 10 monosaccharide units. Okay, if 2 units are present it is called disaccharide. If 3 se leke 10 tak agar monosaccharide units present hain, then it is called oligosaccharides. Okay, and example of oligosaccharides are stachyose, raffinose and verbiscose, etc. And these oligosaccharides are found in glycoproteins. Glycoproteins means these are formed by carbohydrate and proteins. And glycolipids. Glycolipids means conjugation of carbohydrate plus lipids. So oligosaccharides are found in glycoprotein and glycolipids. ऑलिगोसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में मिलते हैं. 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं. एग्जाम्पल हैं स्टैकियोज, रेफिनोज एंड वर्बिस्कोज. नाउ पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी. सो इफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी शुगर में तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड. इट कंटेन रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड दीज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हम पहले ही देख चुके हैं डाइसैकेराइड में भी अगर 2 शुगर यूनिट लिंक्ड होती हैं तो वो लिंकेज जो होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो इसमें भी बहुत सारी यूनिट्स, मे बी अप टू 1000 यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं. एंड दीज रिपीटिंग यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड दीज यूनिट्स मे बी लीनियर और मे बी ब्रांच्ड. सो दिस मे बी लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर. Now polysaccharides are of 2 types. It may be homopolysaccharide or it may be heteropolysaccharide. What does this mean? Homo means same or same kind of units are present. So homopolysaccharides are made up by a single type of monosaccharide. अगर glucose present है तो सारी glucose की ही units present हैं. अगर fructose present है तो सारी फ्रक्टोज की ही यूनिट्स प्रेजेंट है. तो सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट. सो इट इज कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड. एग्जांपल अगर अपन देखें होमोपॉलीसैकेराइड के तो दैट इज स्टार्च मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, सेलुलोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ग्लाइकोजन ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, इन्यूलिन मेड अप ऑफ फ्रक्टोज यूनिट. सो दिस इज अबाउट होमोपॉलीसैकेराइड. वी विल सी इन डिटेल. Now second type is heteropolysaccharide. Hetero means different. So इसमें जो units attach हैं they may be different. They will be different. These are made up by more than one type of monosaccharide unit. मतलब इसमें एक से ज़्यादा type की monosaccharide units present होंगी. More than one type of monosaccharide units are present. This is about heteropolysaccharide. Examples are mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides are heteropolysaccharides. Now the next is example of homopolysaccharide. Starch is the example of homopolysaccharide. So we will see the examples of starch. Starch first, it is the carbohydrate reserve of plants. ठीक है, plants में carbohydrate जिस form में reserve होता है that is starch. ओके, इट कंटेन ग्लूकोज यूनिट. इसमें सारी ग्लूकोज यूनिट्स अटैच होती हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लिंकेज इज कॉल्ड अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, ग्लूकोज यूनिट्स आर अटैच्ड बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकान. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकान. It consists two polysaccharide components. First is amylose and second is amylopectin. What is amylose and what is amylopectin? See, amylose, it is unbranched and water soluble. एक तो ये unbranched होगा, water soluble होगा and contain glucose unit
लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, अगर हम माइलोपेक्टिन देखें तो इट इज वाटर इनसॉल्युबल. एंड दिस इज अनब्रांच्ड अमाइलोज बट अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड. एंड अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 बोथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अमाइलोज. सी दिस इज द स्ट्रक्चर. इन दिस यू कैन सी दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस CH2OH विल बी 6. इन दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस विल बी 6. सो बॉन्डिंग इज 1 and 4 बॉन्डिंग. सो दिस इज अमाइलोज. इसकी अगर बहुत सारी चेन्स अटैच हैं तो इट विल फॉर्म अमाइलोज. अनब्रांच्ड होगा, लीनियर चेन होगी क्योंकि अल्फा 1,4 लिंकेज ही है, तो सिर्फ लीनियर चेन ऐसे ऐसे बनती जाएंगी आगे भी. दिस इज अबाउट अमाइलोज. नेक्स्ट इज दिस इज अमाइलोपेक्टिन. सी दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस विल बी 6. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे एक जो होगा वो 6. सो दिस बॉन्ड इज 1,4. ओके, बट सी दिस बॉन्ड, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड दिस बॉन्ड 1,6. दिस बॉन्ड इज सॉरी दिस बॉन्ड इज 1,6. सो यहाँ पे 1,4 बॉन्ड भी है और 1,6 बॉन्ड भी है, तो दैट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन. ओके, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन वी हैव ऑलरेडी सीन. अमाइलोज, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज आर अनब्रांच, अमाइलोपेक्टिन आर ब्रांच. अमाइलोज आर वाटर सॉल्यूबल, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्यूबल. दिस कंटेन अल्फा 1,4 बॉन्ड, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बॉन्ड. एंड अमाइलोपेक्टिन कंटेन अल्फा 1,4 एंड 1,6 बॉन्ड. 1,4 एंड 1,6 बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट. सो स्टार्च, दिस इज अबाउट स्टार्च. नाउ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड. सी कार्बोहाइड्रेट्स इज द ओनली बायोमोलिक्यूल विच जिसका डाइजेशन जो है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ ओनली, बिकॉज माउथ में सलाइवा होता है एंड इन सलाइवा देयर इज अ एंजाइम दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. वन मोर अमाइलेज इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज ऑल्सो, सलाइवरी अमाइलेज. तो अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है. स्टार्च इज हाइड्रोलाइज टू डेक्सट्रीन, देन इट फॉर्म माल्टोज. वी हैव ऑलरेडी सीन माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड एंड इट इज मेडअप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट. डाइसेकेराइड, सो इट कंटेन 2 ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. दिस इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. सलाइवरी अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज कैन हाइड्रोलाइज दिस स्टार्च. ओके, दिस इज अबाउट स्टार्च. नाउ ग्लाइकोजन. जैसे प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इज स्टार्च, इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इज ग्लाइकोजन. सो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन. ओके, ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन. ओके, कैसे बनता है? तो इसमें भी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज और ये अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होती हैं. सेम जैसा हमने स्टार्च में पढ़ा था माइलोपेक्टिन में, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो, जब अल्फा 1,6 बॉन्ड होगा इट मीन्स इट इज ब्रांच. सो ग्लाइकोजन इट कंटेन ग्लूकोज यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, नाउ इन्यूलिन. इन्यूलिन इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज यूनिट. इट्स अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. यू कैन से इट्स अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इसीलिए अपन इसे फ्रक्टोसान भी बोलते हैं. फ्रक्टोसान. ओके, मेन अगर हम इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखें तो इट इज यूज्ड फॉर असेसिंग किडनी फंक्शन. KFT जब हम करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट,
तो किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए वी यूज इन्यूलिन, बिकॉज वी यूज इन्यूलिन इन द मेजरमेंट ऑफ GFR. GFR is glomerular filtration rate. We will see when we discuss about the KFT or kidney function test or RFT renal function test. तो हम वहाँ देखेंगे इन्यूलिन का क्या रोल होता है, वो कैसे GFR के मेजरमेंट में हेल्प करता है. बट नाउ हमें ये याद रखना है कि इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड. ओके, नेक्स्ट इज सेलुलोज. सेलुलोज सबको पता है, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स में नहीं मिलता है. एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट्स. इवन एनिमल्स, हम जो लोग हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते. वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज सेलुलेज एंजाइम जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ह्यूमंस लैक दिस एंजाइम. हमें ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता. ओके, नाउ सेलुलोज बना किससे होता है, तो इट कंटेन बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स. इट कंटेन बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स और जो लिंकेज होता है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, इट कंटेन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज वी हैव नॉट एंजाइम सेलुलेज दैट कैन क्लीव दिस बॉन्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बट इट्स अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर. ओके, सेलुलोज इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर, डाइटरी फाइबर. बहुत बार सुना होगा ना कि हमें फाइबर लेनी चाहिए अपनी डाइट में, तो फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो डाइटरी फाइबर डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करता है. सो उसका लेवल, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, एंड इट इंक्रीजेज द बल्क ऑफ फीसेस. फीसेस को जो बल्क प्रोवाइड करता है दैट इज फाइबर. इसके अलावा जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं अपनी बॉडी में उनको एलिमिनेट करने में भी फाइबर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. दिस इज अबाउट द सेलुलोज, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट. बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है. दीज यूनिट्स आर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. ह्यूमंस में सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है, सो वी कांट डाइजेस्ट द सेलुलोज. बट इट द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर. एंड फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है, इट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल. सो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है बॉडी में. इट इंक्रीजेज द बल्क ऑफ फीसेज. इसके अलावा जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं अपनी बॉडी में उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ हेटरोपॉलीसेकेराइड. डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं. इट मीन्स इट कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड. इन दिस म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स क्या होते हैं, गैक्स, और क्या होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स. सी, डाइसेकेराइड मीन्स दो शुगर यूनिट्स अटैच होगी, तो एक तो होगी अमीनो शुगर और एक एसिड शुगर. ये दोनों शुगर यूनिट्स आपस में, इनकी रिपीटिंग शुगर, अमीनो शुगर एंड एसिड शुगर, ये आपस में अटैच होंगी. अमीनो शुगर एंड एसिड शुगर, इनकी जो लंबी चेन होगी वो बनाएगी म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन. सो रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स एंड ईच यूनिट कंटेन एन अमीनो शुगर एंड एन एसिड शुगर. अब जो अमीनो शुगर है वो कौन सी हो सकती है, अमीनो शुगर इज ईदर ग्लूकोसामीन. अमीनो शुगर मीन्स शुगर, ग्लूकोज इज शुगर एंड अमीनो मीन्स अमीन ग्रुप अटैच है, तो ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोसामीन. ग्लूकोसामीन एंड गैलेक्टोसामीन, और ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोसामीन. ओके, एसिड शुगर मीन्स एसिड ग्रुप अटैच है, सो इट मे बी ग्लूकोरोनिक एसिड. मोस्टली जो होगा वो ग्लूकोरोनिक एसिड ही अटैच होगा. हम दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे.
अमीनो शुगर इज ग्लूकोसामीन एंड गैलेक्टोसामीन एंड एसिड शुगर इज ग्लूकोरोनिक एसिड मोस्टली. एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड की इंपॉर्टेंस अगर अपन देखें तो दीज आर द असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर. टिश्यू के स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स आर हाइलुरोनिक एसिड. इट इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. सो दिस इज अमीन शुगर, दिस इज एसिड शुगर. सो हाइलुरोनिक एसिड इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. अगर हम देखें ये कहाँ मिलता है हाइलुरोनिक एसिड, तो दिस इज फाउंड इन साइनोवियल फ्लूड, विट्रस ह्यूमर, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब में पाया जाता है. एंड मेन फंक्शन इज इट्स फंक्शन एज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मीन्स प्रिवेंट द फ्रिक्शन. एंड इट ऑल्सो फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर. लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा और शॉक एब्जॉर्बर होगा. ठीक है, दिस इज अबाउट हाइलुरोनिक एसिड. नेक्स्ट इज हिपेरिन, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट. हिपेरिन इज मेड अप ऑफ डी ग्लूकोरोनेट टू सल्फेट. दिस इज एसिड शुगर बट उसका सल्फेट, सल्फेट और अटैच है उसमें. एंड एन सल्फो ग्लूकोसामीन 6-sulfate. दिस इज ग्लूकोसामीन, दिस इज ग्लूकोरोनिक एसिड, एसिड शुगर और अमीन शुगर, बट उनके सल्फेट ग्रुप अटैच है. तो डी ग्लूकोरोनेट 2-sulfate एंड एन सल्फो ग्लूकोसामीन 6-sulfate. हेपेरिन कहाँ मिलता है अपने को? ब्लड में, लीवर में, लंग में. एंड वॉट इज द फंक्शन? नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है तो एक्ट एज एन एंटी कोएगुलेंट. सो हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन एसिड, दीज आर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक वी कैन ऑल्सो सी कैरेटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. सी कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, दिस इज मेड अप बाय डी ग्लूकोरोनिक एसिड, एसिड शुगर हो गई, एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 4-sulfate. दिस इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ना, तो सल्फेट ग्रुप भी अटैच होगा. तो एसिड शुगर इज ग्लूकोरोनिक एसिड, मोस्टली यही होती है. एंड ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन का भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 4-sulfate इज प्रेजेंट. एंड दीज बोथ मेड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज, बोन्स, स्किन, ब्लड वेसल्स, इन सब में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट मिलता है. मेन फंक्शन मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द टिश्यू. मेंटेन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द टिश्यूज. दिस इज अबाउट कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. नाउ वन मोर, डर्मेटान सल्फेट. दिस इज मेड अप बाय एल आइडुरोनिक एसिड. इसमें जो एसिड शुगर होगा दैट इज एल आइडुरोनिक एसिड. एंड जो अमीन शुगर होगी वो होगी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन 4-sulfate. कॉन्ड्रोइटिन में ग्लूकोसामीन था, डर्मेटान में गैलेक्टोसामीन होगा, इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड, इसमें आइडुरोनिक एसिड. डर्मेटान सल्फेट इज फाउंड इन ब्लड वेसल वॉल्व, वॉल्व्स में, हार्ट वाल्व जो होते हैं उनमें. ओके, एंड सेम फंक्शन मेंटेन द शेप ऑफ द टिश्यू. सो दिस इज अबाउट पॉलीसेकेराइड्स. इसके साथ ही जनरल कार्बोहाइड्रेट और केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है. हमने इसमें मोनोसेकेराइड्स देखे, डाइसेकेराइड्स देखे, ओलिगोसेकेराइड्स देखे, एंड नाउ पॉलीसेकेराइड. अब नेक्स्ट हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे. थैंक यू.